प्रिय बच्चों नमस्ते, सुप्रभात। सुरभि पुस्तक में हमने आपको पिछली बार पाठ दो की हिंदी पढ़ाई, अभ्यास भी आपको एक दो प्रश्न समझाए थे। आइए बच्चों आज पाठ दो के अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न जो है पेज नंबर 1 में आप निकालेंगे, उसमें देखेंगे बेटा कि एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिला है। जब आपको मैंने पाठ पढ़ाया तो आपको बताया था कि इस प्रश्न में एषय पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और एषा महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अब प्रश्न है एषय के अस्ति, यह कौन है, तो आप इसमें उत्तर में लिखा है पुरुषय अस्ति, तो कै में कर देंगे पहले एषय। ऐसी बच्चों सामने महिला है तो लिखा है खा, एषा का अस्ति, यह कौन है, तो उत्तर दिया महिला अस्ति तो उसमें एषा लगा देंगे और करेंगे एषा महिला अस्ति। इसी प्रकार से बच्चों गा में है एषय कै अस्ति, यह कौन है, तो पिक्चर में देखिए डॉक्टर है तो आ जाएगा एषय चिकित्सक अस्ति, चिकित्सक अस्ति लिखा है, यहां पर आप केवल लिख देंगे एषय। इसी प्रकार से खा घा में लेडीज डॉक्टर है तो प्रश्न है एषा का अस्ति, यह कौन है, तो लिखा है चिकित्सका अस्ति, उसमें एषा लगा देंगे एषा चिकित्सका अस्ति, यह डॉक्टर है। उसके बाद देखो बेटे अंगा में एक डांसर है, प्रश्न है एषय कै अस्ति, नर्तक यह कौन है, तो चूंकि मेल है इसमें भी आप करेंगे लिखा नर्तक अस्ति, सुर में लगा देंगे एषय नर्तक अस्ति। ऐसी बच्चों चा में नर्तकी है फीमेल डांसर है तो लिखा है एषा का अस्ति, यह कौन है, तो एषा नर्तकी अस्ति। छह में देखो बेटे एषय कै अस्ति, एक टीचर है शिक्षक है मेल टीचर है तो लिखा एषय कै अस्ति, यह कौन है, उत्तर लिखा अध्यापक अस्ति, तो आप लिख लेंगे एषय अध्यापक अस्ति। और सामने वाले बेटे एक मैम है, प्रश्न है एषा का अस्ति, ये कौन है, तो आप लिखेंगे एषा अध्यापिका अस्ति, अध्यापिका अस्ति लिखा है, यहां पर आप एषा कर लीजिए। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ये हो गया होगा आप सभी इसको आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन 2 भी बच्चों बड़ा आसान है, चित्र को देख करके रिक्त स्थान भरें। एषय अस्ति क्वेश्चन मार्क,
तो आपको लिखना है ईषे के अस्ति, फिर आगे लिखा है बेटे पिक्चर के अकॉर्डिंग ईषे लेखक अस्ति, यह लेखक है। लेखक माने बच्चों राइटर, लिखने वाला है। लेखक किम करोति, लेखक क्या करता है, लिखने वाला क्या कार्य करता है, तो नीचे लिखती लिखा है, आपको लिखना है लेखक लिखती। कह की चौथी लाइन में आ जाएगा लेखक लिखती। उसके बाद देखो खा में है एषा अस्ति, एक लेडीज खाना बना रही, एक महिला भोजन बना रही है, तो आप करेंगे एषा महिला अस्ति। फिर परिचय दिया है एषा महिला अस्ति, ये महिला है। महिला किम करोति, महिला क्या करती है, तो अकॉर्डिंग टू पिक्चर, पिक्चर के अनुसार हमें यहां उत्तर देना है। तो नीचे पचती लिखा है यानी कुकिंग कर रही है, तो आप फिर यहां पर लिख देंगे महिला पचती। सॉरी, आगे देखेंगे एक पेड़ की पिक्चर बनी है बच्चों, तो एतद अस्ति क्वेश्चन मार्क है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन में एतद किम अस्ति, यह क्या है, तो बता रहे एतद फलम अस्ति, यह फल है। किम फलम पतति, अब देखो पेड़ में जो फल लगे हैं तो पूछ रहे हैं क्या फल गिरते हैं, तो आप उत्तर नीचे देंगे आम पतति, तो उसके पहले लिख देंगे आम फलम पतति। उसके बाद देखेंगे बेटा लास्ट पिक्चर एक सोल्जर की है घा में, तो ईशे अस्ति कौन है, मेल है, तो हम मेल का ही यहां पे लिखेंगे ईशे के अस्ति, ईशे सैनिक अस्ति, यह सैनिक है, सोल्जर है। सैनिक किम करोति, सैनिक क्या करता है, तो नीचे लिखा है देशम रक्षति, तो इस वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे सैनिक देशम रक्षति। अब आ जाइए बेटे बेटे पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 में बेटा चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है, इति वदन्तु लिखन्तु, चाहे इस प्रकार बोले या लिखें, तो हमें यहां लिखना है, लेकिन पहले समझ लो व्यजनम माने, देखो पिक्चर में पंखा बना है, व्यजनम माने पंखा, चित्रम माने चित्र, दीपक माने दीपक, जो आप सुबह सुबह जलाते हैं दीपक यज्ञ में या पूजा में, वस्त्रम, आप देखो आपकी बुक में पिक्चर बनी है जिसमें वस्त्रम कपड़े आपकी अलमारी में रखे हुए हैं जो आप पहनते हैं, दर्पण शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, बाल ठीक करते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं दर्पण शीशा, द्वारम दरवाजा, अग्नि आग, पुस्तकम, देखो पुस्तक बनी है बुक्स,
किताब पुस्तक कंदुकम माने गेंद, गेंद बड़ी पसंद होती है आपको खेलने के लिए। पादत्राणम जूते, लेखनी कलम ये पेन जैसे मेरे पास है, चमसे चम्मच, भूषणम देखो सामने गहने रखे हैं, भूषणम माने गहने, घटिका माने घड़ी जैसे देखो मैंने पहनी है इसको घड़ी कहते हैं, घटे माने घड़ा। करना क्या है आपको, ये आपको अपनी बुक में ये जो जगह दी गई है यहीं पर साइड में संस्कृत भी लिखनी है हिंदी भी लिखनी है, मैं लिख रहा हूं उसको आप फॉलो करेंगे। इसको लिखेंगे बेटा ऊपर हेडिंग इसका दे देंगे संस्कृत, यहां दे देंगे बेटा हिंदी, बेदनम माने पंखा, चित्रम माने चित्र, दीपके माने दीपक, वस्त्रम माने कपड़ा, दर्पणे माने शीशा, द्वारम माने दरवाजा, अग्नि माने आग, पुस्तकम माने पुस्तक। आगे लिखेंगे बेटा इधर कंदुकम माने गेंद, पादत्राणम माने जूते, लेखनी माने कलम या ब्रैकेट में लिख सकते हैं पेन, चमसे माने चम्मच, भूषणम माने गहने, घटिका माने घड़ी, घटे माने घड़ा। ये बेटे आपको फिर बता रहा हूं ये जो स्थान है बुक का पेज नंबर 10 में, यहां पर यहां संस्कृत यहां हिंदी इस तरीके से आप लिख लेंगे, ये जो है ये जगह है, कॉपी में नहीं लिखना है इसको, इसी में लिखना है क्योंकि ये वर्ड सामने है आपको अभ्यास हो जाएगा याद हो जाएंगे। अब आइए बेटे अगला क्वेश्चन, बड़ा
आसान है। ये जो ऊपर पिक्चर है, ये वाली, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही इसमें प्रश्न किए हैं चौथे क्वेश्चन। किम भवतः, भवतः माने आप, जो मेल बच्चे हैं उनके लिए, भवत्या जो फीमेल बच्चे हैं उनके लिए, गृहे अस्ति नास्ति, अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, इनमें से क्या वस्तुएं आपके घर में हैं, तो अस्ति लिखेंगे, नहीं है तो नास्ति लिखेंगे। आइए लेखनी अस्ति तो सबके घर में पेन है भाई, अस्ति कर दीजिए। खा है घटे अस्ति, घड़ा है, ये तो हो गई आजकल, तो वैसे भी आप फ्रिज का पानी नहीं पी रहे होंगे क्योंकि नुकसान करता है, घड़े का पानी अच्छा होता है। द्वारम दरवाजा तो है ही भाई, नहीं तो उसके बिना घर के अंदर कैसे आप प्रवेश करेंगे या जाएंगे कहीं। फिर चित्रम अस्ति, पिक्चर भी लगी होगी कहीं ना कहीं कोई। दर्पणे अस्ति, शीशा अस्ति है। और लास्ट में है पादत्राणम, जूते हैं, अस्ति। अब आ जाओ बेटे क्वेश्चन पांच, ये तो बहुत आसान है बेटा, पिक्चर देखनी है और संस्कृत वर्ड इसी बुक में भरने हैं। नामानी लिखत, नामानी लिखत, नामों को लिखें। जैसे सबसे पहले देखो पंखा है, पंखे को आपने क्या पढ़ा संस्कृत में, व्यजनम। आपके घर में जो पंखा लगा है उसको संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। दूसरा देखो शीशा, आ जाएगा दर्पण है। तीसरा है बेटो बुक है, इसमें कर देंगे पुस्तकम। फिर दीपक है, कर देंगे दीपक है। फिर है बेटे गेंद, गेंद को अभी आपने पढ़ा तो कर देंगे कंदुकम। इसके बाद है एक कपड़ा है तो इसको करेंगे वस्त्रम। बस पाठ हो गया पूरा, तो ये सारा काम आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। आराम से सारा काम आप देख के धीरे 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 अच्छे से क्लियरिटी से साफ राइटिंग में मन लगा के समझ के इस काम को करेंगे। धन्यवाद।